यदि आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, लाइक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी मैंने जितना भी नाम लिया, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी, तीन की भाई बात कर रहा हूं, इसके बाद भी और भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो कोर्सेज हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में आपको काम करना है, आप कहीं भी जाके काम करना चाहते हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस बारे में आप सोचते हैं और एक अच्छी सैलरी भी आपको मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ शब्दों को मैं बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, उस पॉइंट्स को अपना बना लो। बस एक ध्यान रखना, इस पॉइंट्स को अपना बना लो। जब आप इस पॉइंट्स को अपना बना लोगे तो फिर ये जीवन भर आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और जीवन भर आपको हर जगह एक अच्छे पोस्ट पे रखेगा, एक अच्छे एमएनसी कंपनी में रखेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में रखेगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ, बड़े बिंदास होकर जाओगे, बहुत ही फ्रीडम के साथ जाओगे और काम कर पाओगे। क्या आप जानना चाहते हो कि ये कुछ शब्द ऐसे हैं, सिर्फ इन्हें ही समझो, बाकी जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। किन बातों को समझना है उन बातों का मैं गाइडलाइन भी बता रहा हूं, कैसे किस तरीके से करना है। ये गाइडलाइन है उन लोगों के लिए जो सेफ्टी की कोर्स शुरुआत करने जा रहे हैं, सेफ्टी का कोर्स करने जा रहे हो और या फिर सेफ्टी कर चुके हो, जॉब के लिए जा रहे हो, उनके लिए भी ये सीख लो, समझ लो, बहुत काम आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस चीज को अगर आप समझ गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल अगर यहां है तो यहां आ जाएगा, यानी अगर यहां है तो यहां आएगा। इट मींस आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस जो आपका है, वो लेवल इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब करना क्या है, अब कुछ शब्दों को मैं ध्यान से देखना, मैं वो पॉइंट्स बोलूंगा और उस पॉइंट्स को आप समझना। पहला, मैं हेल्थ सेफ्टी से शुरुआत करता हूं, ठीक है, चलो हेल्थ सेफ्टी के ऊपर छोड़ देता हूं। मैं हेल्थ सेफ्टी, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी सबको मिला करके कुछ कॉमन चीजें जो सब में है उनको मैं बताता हूं। पहला शब्द जो है वो है आपका हजार्ड। पहला शब्द क्या है, सो कीप इन माइंड हजार्ड क्वेश्चन, हजार्ड से रिलेटेड, हजार्ड को अपना बना लो। और अपना बनाने का मतलब क्या है, गले नहीं लगाना है। अपना बनाने का मतलब क्या है, हजार्ड क्या है, कैसे है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से है, इन सब चीज को समझो और उन तमाम सिचुएशंस को भी जानो जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपको इसको इतने डिटेलिंग बता पाएंगे। तो ये चीज जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला शब्द जो है जिसे आपको अपना बनाना है, वह शब्द है हजार्ड। हजार्ड को अपना बना लो। अब बनाना क्या है, हजार्ड कितने होते हैं, क्या काम होता है, किस तरह का हजार्ड होता है, किस हजार्ड से क्या चीजें होती हैं, क्या सिचुएशन होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज, ठीक है, ये सब समझ लो। तो पहला पॉइंट हो गया हजार्ड। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे हमें क्या समझना है, हजार्ड के ठीक दूसरे स्टेप पर, यानी उसका दूसरा भाई, सेफ्टी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके मैं टिप्स बता रहा हूं। फिर उसके बाद से दूसरा पॉइंट आता है, वो क्या है, रिस्क। क्या है, रिस्क। सो कीप इन माइंड द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी कैंडिडेट, लाइक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑल्सो। क्लियर है सर, पहला पॉइंट समझ गए। पहला क्या था, पहला हजार्ड, याद रखना, पहला हजार्ड, दूसरा रिस्क। क्या है, रिस्क। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, अब रिस्क क्या है, रिस्क को समझो, रिस्क को समझना जरूरी है। रिस्क क्या है, कब है, क्यों है, कहां है, देन रिजल्ट क्या आएगा, ये समझो, यानी इसको अपना बनाना है। तो दूसरा पॉइंट है, रिस्क को अपना बना लो। पहला किसको अपना बनाया, पहला दोस्त आपका हो गया हजार्ड, दूसरा दोस्त हो गया आपका रिस्क। समझना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, दोस्ती मत करना। दोस्ती क्या करना, उसको समझने के लिए दोस्ती करना, लेकिन हमेशा उसे दूर रखने की कोशिश करना। क्या करना, दूर रखने की कोशिश करना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो अगला पॉइंट हमारा है वो क्या है, पहला हमने क्या बताया, पहला क्या किया, हजार्ड। ओके, नेक्स्ट बोलो बोलो, हाँ गुड, रिस्क हो गया। अब मैं बात करता हूं तीसरा, जो अगला पॉइंट हमारा है, एक हजार्ड हो गया, रिस्क हो गया, और रिस्क के बाद
जो हमारा जो आता है अगला जो पॉइंट्स आता है वो आता है सेफ्टी। अब देखो सेफ्टी को मैंने तीसरे नंबर पे रखा, यानी तीसरा दोस्त आ गया सेफ्टी के रूप में। हजार्ड और रिस्क को समझ लो, फिर सेफ्टी क्या होगा, सेफ्टी को भी समझने में आसानी हो जाएगी। सेफ्टी को समझ लिया, सेफ्टी को अपना बनाओ। किस तरह का सेफ्टी, कैसे सेफ्टी होगा, क्या करना चाहिए सेफ्टी के लिए, क्या करना चाहिए काम करने के दौरान, अपनी भी सेफ्टी करूं, दूसरे की भी सेफ्टी करूं, क्या करूं क्या न करूं, ये सारी चीजों, ये हर एक चीज को, हर एक कंडीशन को, हर एक सिचुएशन को समझो और जानो। पहला पॉइंट क्या हो गया, हजार। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, रिस्क। और तीसरा क्या हो गया, सेफ्टी। समझ में आ गया। और अब बारी है चौथे पॉइंट की, जो है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट को आपको समझना है, एक्सीडेंट को समझने के लिए क्या क्या समझना है, एक्सीडेंट को समझने के लिए आप नियर मिस को समझिए, इंजरी को समझिए, वर्क के नेचर को समझिए, और इसके साथ साथ हजार्ड और रिस्क तो है उसको तो पहले ही आपने समझ लिया, ये समझिए। अब हो गया एक्सीडेंट, यानी पॉइंट्स कितने हो गए, पहला बनाया हमने किसको अपना, हजार्ड को, दूसरा बनाया रिस्क को, तीसरा बनाया सेफ्टी, चौथा बनाया एक्सीडेंट, और पांचवा शब्द आता है, यही पूरी कहानी खत्म, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, द परफेक्ट मैनेजमेंट। और इसी को रिलेट क्या करता है, अब मैं ले चलता हूं, इसी को रिलेट करता है आपका डीमाई साइकिल, आपका पीडीसीए साइकिल, आपको सीवर्ड साइकिल जो आप पढ़ते हो ना, पीडीसीए साइकिल किसी भी मैनेजमेंट में अक्सर आप आता, अक्सर आप देखते हो आता है। तो ये पांच पॉइंट अगर आपने ध्यान दिया, पांच पॉइंट को आपने अपने बना लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल नहीं कर सकता। यह सिर्फ बातों की बात नहीं है, अगर आपको काम भी दिया जाए तो आप अगर इन बातों पे कंसीडर करते हो, इन बातों को समझते हो, तो फिर आप कभी फेल नहीं होंगे। यकीन नहीं आता, चलो अप्लाई करते हैं, आज से ही अप्लाई करते हैं, अभी से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करो। अगर जस्ट लाइक यू आर स्टूडेंट्स, अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, अप्लाई करो अपने स्टडी पे। कैसे करना है, पांच पॉइंट अप्लाई करना, मैं एक स्टूडेंट पे सिखाता हूं, और इस चीज को समझ के इसे अपना बना लेना। पांच पॉइंट, पहला क्या समझना है, हजार किस तरह से नुकसान होगा, क्या चीज से नुकसान होगा, एक स्टूडेंट को समझना है, बोलो पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज से मेरा नुकसान होगा, किससे फायदा होगा, ये समझना है तो हजार को समझ लो। रिस्क क्या है, अगर हमने पढ़ाई नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, आगे नहीं कर पाऊंगा, ये रिस्क है। इसके बाद सेफ्टी क्या होगा, सेफ्टी यानी मैं कैसे सेफ रहूंगा, सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, हजार से दूर रहूंगा, रिस्क से दूर रहूंगा, तो फिर क्या होगा, पास आउट हो जाऊंगा। अब पास आउट के बाद से क्या हो, पास आउट हो जाने के बाद यानी हमारी मंजिल अब धीरे धीरे नजदीक आती दिखाई देगी। और फिर हमें समझना एक्सीडेंट को, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक्सीडेंट होगा हमारे साथ, वह एक्सीडेंट क्या होगा, वह बहुत मॉरल एक्सीडेंट होगा। पहली बार तो मैं फेल हो जाऊंगा, सबका दिल दुखेगा, मेरे पैसे लॉस हो गए, मेरे टाइम चले गए, तो क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ विदाउट इंजरी। एक ऐसा एक्सीडेंट भी होता है जिसमें इंजरी नहीं होता है, जबकि हमारे सेफ्टी फील्ड में यह जरूरी है कि एक्सीडेंट तभी मानेंगे जब उसमें इंजरी होगा, लेकिन यहां विदाउट इंजरी एक्सीडेंट हो रहा, उसको हमने समझ लिया। और फिर मैनेज, हम इन तमाम चीजों से कैसे बचना है, हमें इससे बचना है, किससे बचना है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, मुझे एनी हाउ इस चीज को कंप्लीट करना है, मुझे पास करना है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहिए मुझे, कोई मुझे कॉन्ट्रोवर्सी बरसी नहीं चाहिए, कोई मुझे विवाद नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, मुझे अच्छे तरीके से इस चीज को जानना होगा, इस चीज को समझना होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस पांच बातों को अप्लाई करिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं इन पांच चीजों को अप्लाई करिए, आपका बिजनेस यहां से यहां तक ग्रो करेगा, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, आप अपने रिस्क को समझ पाएंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अगर आप फैमिली लाइफ में तो आप इन पांच बातों पर ध्यान दो, फिर कभी भी आपके जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी आप दोनों लोग अलग नहीं होंगे, कभी किसी का ब्रेकअप नहीं होगा, ये रियल है, ये हम लोगों ने आजमाया है, हम लोगों ने रिसर्च किया है इस चीज पे, और हमने पाया दैट इज द परफेक्ट मैनेजमेंट। अब ये बढ़िया मैनेजमेंट है, अच्छा है, तो क्यों ना आप भी इसे करें। तो ये पांच बातें अगर आप अपना बना लेते हो तो दुनिया में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, चाहे आप बिजनेस करने जाओ,
चाहे आप नौकरी करने जाओ, चाहे कुछ भी करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बहुत इजी वे में आप कर पाओगे। तो आई होप कि आप जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट को, फायर सेफ्टी के हो, फूड सेफ्टी को, इस तरह से अप्लाई करो और फिर देखो कहानी क्या बनती है। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा, आप समझ पाओगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।